नमस्कार दोस्तों, मैडबॉक्स फिल्म्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे असुर की जिसके माता पिता स्वयं भगवान शिव और माँ पार्वती थे। आज हम बात करेंगे उस दैत्य की जो एक समय में इतना शक्तिशाली हो गया था कि संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ था। तो आइए जानते हैं हम असुर अंधक के बारे में। अंधक का जन्म। एक बार भगवान शिव मंदरा पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे, उसी समय माँ पार्वती को शरारत करने की सूचती है और वह भगवान शिव की आंखें अपने हाथों से ढक देती हैं। भगवान शिव एवं माँ पार्वती के स्पर्श से पसीने का एक बूंद जमीन पर गिरता है, उसी पसीने की बूंद से अंधक का जन्म होता है। अंधक के नेत्र नहीं होते हैं, इसी कारणवश उसका नाम अंधक दिया जाता है। अंधक जो अंधकार लेकर आए। असुर राजा हिरण्याक्ष का पुत्र असुर नरेश हिरण्याक्ष की कोई संतान नहीं थी। वह संतान इच्छा हेतु भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद में अंधक प्रदान करते हैं और इस तरह अंधक असुर नरेश हिरण्याक्ष का पुत्र बन जाता है। ये वही हिरण्याक्ष है जिसका वध भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा होता है। असुरों का राजा अंधक। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद असुर साम्राज्य में फूट पड़ जाती है, क्योंकि असुर साम्राज्य का बहुत बड़ा वर्ग अंधक को नरेश के रूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अंधक अंधा था और दूसरा वह भगवान शिव से जन्मा था। इसी कारणवश उसे बहुत सारे असुर असुर तक नहीं मानते। ये सब देखकर अंधक सब त्याग कर एक एकांत जगह पर चला जाता है और वहाँ भगवान ब्रह्मा की उपासना करता है। भगवान ब्रह्मा उसकी उपासना से खुश होते हैं और उसे वरदान मांगने को बोलते हैं। वरदान में अंधक दो चीज़ें मांगता है, एक उसको नेत्र से दिखने लगी, दूसरा पूरे संसार में उसका कोई विनाश न कर पाए। ब्रह्मा उसे दोनों वरदान देते हैं, परंतु उसे चेतावनी भी देते हैं कि भगवान शिव तुम्हारा विनाश अभी भी कर सकते हैं। तपस्या के बाद अंधक वापस आता है और उन सभी असुरों को चुनौतियाँ देता है जो उसके सम्राट बनने के विपरीत थे। एक एक करके वे सभी को हरा देता है। असुर तो क्या, देवता तक उसके सामने टिक नहीं पाते। अंत में वह असुर नरेश अंधकासुर बन जाता है। अंधकासुर का अहंकार। असुर नरेश बनने के बाद अंधकासुर का मंत्री उन्हें विवाह करने की सलाह देता है और बताता है कि पूरे संसार में एक स्त्री है जो उनके लिए सर्वोत्तम है और वह कैलाश पर्वत पर एक उलझे बालों वाले तपस्वी के साथ रहती है। भगवान शिव अपने गणों के साथ उस समय कहीं दूर गए होते हैं, तभी पीछे से अंधक आकर माँ पार्वती का अपहरण करने का प्रयास करता है। तब माँ पार्वती और अंधक के बीच युद्ध होता है। देवता भी माँ पार्वती की सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। तभी भगवान शिव आ जाते हैं और युद्ध को वहीं रोक देते हैं। वह अंधक को समझाते हैं, परंतु अंधक अभी भी अपने कुकर्मों से बाज नहीं आता। अंततः एक भीषण युद्ध होता है और युद्ध की समाप्ति अंधक के पतन के साथ होती है। अंधक का अंत। कई वर्षों तक असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता है। अंधक का बलशाली सेनापति बलि देवताओं को हराकर उन्हें निगल जाता है। भगवान शिव उस पर प्रहार करके इसका विनाश करते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं। अंधक का रक्त जहां भी गिरता था वहां से दूसरा अंधक बन जाता था। उसके लिए भगवान विष्णु मातृका का निर्माण करते हैं जो अंधक के रक्त को पनपने से पहले उसके अंशों का ग्रहण कर रही होती है। अंततः भगवान शिव अंधक का संहार कर देते हैं। अंधक अपनी मृत्यु से पहले भगवान शिव का नाम जप रहा होता है, इसलिए उसे मृत्यु से पहले भगवान शिव गणों का मुखिया बना देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। हर हर महादेव वासुदेव कुटुंबकम।